भी हो उनको बुला लेंगे। सर धन्यवाद वाला कौन है? यार विनर कैसा लग रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज हमको अपने जीवन का सबसे अच्छा दर्शन मिला है। कैसा अनुभव कर रहे हो आज? बहुत अच्छा। एक खुले स्थान में भोजन बना रहे हो, क्या बना रहे हो? बाटी चोखा। बाटी चोखा अकेले बना रहे हो? ग्रुप है, पूरी टोली है। क्या नाम है टोली का? बाबू नाम सर है, बापू टोली, हमें इसके लीडर सर। बापू टोली लीडर सर। तीखा खा लिया ज्यादा लीटर में था, आगे भागा था तो नहीं, ये क्या करता है? ये चाकू का स्टैंड का लगेगा। बैग ले आओ सब लोग, बैग बैग से क्या हो जी? कौन सी टोली है? रानी लक्ष्मी भाई। टोली नंबर चार नंबर। लीडर कौन है? जी कैसा लग रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत खुश हैं सर, यही रहे। स्काउटिंग से कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी लगी सर। क्या संदेश देना चाहते हो स्काउटिंग के बारे में? जी क्या सर, स्काउटिंग सबको करनी चाहिए क्योंकि ये इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है, जो चीज़ नहीं आती है उसमें सीखने का भी मौका मिलता है बच्चों को। और मेरा मानना है स्काउटिंग करनी चाहिए, स्काउटिंग से प्रेरणा होती है। स्काउटिंग से हम लोगों को में डिसिप्लिन आता है, जो अव्यवस्था होती है उसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, जितने सीमित संसाधनों में हम उसको सीमित कर लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेते हैं। खुले स्थान एक टेंट लगाना, कैसे लगाए हो टेंट बनाए हो सर? यस कैसे टेंट बनाए आप लोग? चादर लगी है, बांस की डंडी लगी है, बाकी और लाठी लगी है। किसने टेंट बनाया? आपने? सब मिलकर, सबने मिलकर टेंट बनाए। तो घर से लाठी लाना, चादर लाना, डंडे लाना, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। कुछ नया सीखने को मिला स्काउटिंग में? बहुत कुछ मिला सर। क्या बना रहे हो भोजन में? बाटी चोखा सर। अभी नहीं, कैसा लग रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा। क्या बना रहे हो? कितने बर्तन लगे हैं चोखा बाटी में? नहीं लगा। कैसा लग रहा आप लोगों को? चलिए आपका नाम क्या है? प्रतिभा जी बताएं, क्या संदेश देना चाहती हो समाज को स्काउटिंग के बारे में? स्काउटिंग एक ऐसा कार्यक्रम है, इसके थ्रू करवाया जाता है, जिसमें लोगों को हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता है और ये कहीं भी रह के कहीं किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं इसके थ्रू। सबसे पहले तो टीम लीडर कौन है? पहला ध्यान रखें, पहला ध्यान स्वच्छता है हमारी। हम जहाँ भी जाएं उसमें स्वच्छता महत्वपूर्ण होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। चलो कैसे लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा आप लोगों को? बहुत लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहती हो समाज को स्काउटिंग से? स्काउटिंग बहुत अच्छी होती है, हर चीज के लिए जानकारी देती है, जानकारी मिलती है हम लोगों को। ये टेंट कैसे लगा लिया आप लोगों ने? अच्छा नहीं लगा सर, पहले डंडा बांधे हैं सर, पहले डंडा गाड़े हैं, फिर रस्सी बांधे हैं, फिर रस्सी के ऊपर मतलब डंडे के ऊपर एक डंडा और बांधे हैं, फिर चादर डाले हैं, फिर चादर के साइड में खीली गाड़ के बांधे हैं। अच्छा, कितने लोगों ने मिलकर बनाया टेंट? सर दो लोगों ने। अच्छा,
चले कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। जी ग्रुप नंबर कितना है? वन सर। एक नंबर। कैसा लग रहा है आप लोगों को स्काउटिंग? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सैरेन। सैरेन जी, टेंट कैसे लगाए आप लोगों ने मिलकर? क्या क्या लगा उसमें टेंट में? चादर लगी, डंडे लगे, रस्सी लगी, खीरी लगी, कीली लगी। अच्छा लगी। तो एक अकेले ने बनाया टेंट? नहीं सर, आठ लोग उसमें बनाया। अच्छा अच्छा, सारे लोगों ने मिलकर बनाया। तो कैसा लग रहा है स्काउटिंग आपको? इंजॉय लग रहा है। क्या वाकई में डीएलएन में स्काउटिंग आप लोगों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या संदेश देना चाहते हो समाज को स्काउटिंग से? चाहते हैं मतलब बच्चों को कुछ सीख मिलती है, मतलब कुछ नई सीख मिलती है। कुछ नई सीख मिलती है, बहुत सारी सीख मिली है यार, बहुत सारी। टोली के नाम क्या है? कोयल टोली। क्या बताना चाहते हो कोयल टोली नाम रखकर? क्या नाम है टोली का? कोयल। कोयल कैसे बोलती है? गुड, बहुत अच्छा। फुल एंजॉय कर रहे हैं आप स्काउटिंग करके? बहुत ही सुंदर दृश्य इस विद्यालय का। पंडित राम केदार राम किशोर त्रिपाठी महाविद्यालय रवनिया पश्चिम सुल्तानपुर को आप देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत, यहाँ के संस्थापक जी ने इस विद्यालय को सजा के रखा है। जैसा कि आप लोग इस वीडियोस के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जैसे कोई पार्क होता है, उस पार्क के जैसा इस विद्यालय को पूरा का पूरा सजा के सवार को रखा है। और स्काउट गाइड का प्रशिक्षण चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। आज लास्ट डे है, समापन है। बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ टेंट, गेट, बिना बर्तन के भोजन, चोखा और बाटी, मुख्य रूप से अनेक प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। सारे बच्चे बहुत ही उत्साह से, बहुत ही अनुशासन ढंग से, साफ़ सफाई का विशेष आप देख सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ा पूरे प्रांगण में नहीं देखने को, क्योंकि कहा गया है स्वच्छ भारत है तो स्वस्थ भारत है। सही, बच्चे बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। इधर प्रशिक्षक हैं, शिक्षक जी आ रहे हैं हमारे साथ के, श्रीन कुमार सर। प्रशिक्षण में बहुत योगदान रहा इनका, और जितना भी आप देख रहे हैं सजा के संस्थापक जी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे प्यारे फूल को, क्यारी को एकदम व्यवस्थित रूप से सजा के रखा है। यह विद्यालय सुल्तानपुर लखनऊ 4 लेन से सटा हुआ है। आप हाईवे से थोड़ा सा बगल ये विद्यालय आपको मिलेगा। चंपा सुल्तानपुर की यह विद्यालय आन बान शान है, आप देख रहे हैं। जितना भी अंदर में सारा कुछ आदरणीय संस्थापक जी द्वारा सजा के संवार के इस विद्यालय को रखा गया है।